बेबी जी ले लीजिए ना, भगवान आपको मनचाहा पति दे। देखिए हमें सच में कुछ नहीं चाहिए, हमें माफ कीजिए, आप जाइए। ले लीजिए ना बीबी जी, हम बहुत गरीब हैं, कुछ तो कपड़े होंगे ना आपके पास देने के लिए, हम आपको उसके बदले ये बर्तन दे देंगे और मार्केट में आपका कपड़ा बेच देंगे, कुछ पैसा ही कमा लेंगे, हमें पैसे की बहुत जरूरत है बीबी जी। कुछ तो आपके पास कपड़े होंगे ना जो आपको अच्छा नहीं लगता होगा। कौन है रश्का? अरे देखो ना कोई बर्तन वाली, बर्तन बर्तन वाली, हमें भी कुछ कपड़े देने, हम अभी लेकर आते, ठीक है? हाँ चलिए चलिए, इसी बहाने गरीब को भी कुछ अच्छा कपड़ा पहनने को मिल जाएगा ना। हाँ जी रुकिए, देवयानी तुम तो अपने कपड़ों को जान से भी ज्यादा प्यार से संभाल के रखती हो ना, तो फिर तुम्हें कौन से कपड़े देने हैं? है कुछ ऐसे कपड़े जिन्हें देखकर हमें कुछ ऐसे पल याद आते हैं जिसे भूलने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारी एंगेजमेंट ड्रेस, आप प्लीज आइए कपड़े ले जाइए। हाँ जी, नहीं नहीं भाई रुकिए, हमें कोई कपड़े नहीं दे। क्या कर रही हो तुम अनुष्का? तुम क्या कर रही हो देवयानी? बेटा रोहन का फोन आया था, बेटा शाम को आ रहे हैं दोनों, बर्तन वाली बुलवाइए, कपड़े निकलवाने हैं क्या? साहब नमस्ते। पापा देखिए ना, देवयानी अपने एंगेजमेंट के कपड़े इसे देना चाहती है, प्लीज रोकिए इसे। पापा प्लीज आप हमें समझाने की कोशिश मत कीजिए, अगर हमारे कमरे में कैक्टस का प्लांट हो और उसे रोज हमारा हाथ कटता हो तो हम उसे क्यों रखें अपने पास? आप प्लीज आइए और कपड़े ले जाइए। चलिए बीबी जी। दीदी का फोन है। हाँ दीदी। अनुरोध जी क्या हुआ चीचू को? हमने ये बताने के लिए फोन किया था कि रोहन जी के पैरों में फ्रैक्चर हो गया। क्या कैसे हो गया? और अब जीजू कैसे है? क्या हुआ अनु? पापा जीजू का पाव फ्रैक्चर हो गया। क्या लॉक फोन दो। हेलो क्या हो गया, कैसे हम आए वहां? नहीं नहीं पापा घबराने वाली कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि छोटा मोटा फ्रैक्चर है, मूंछ जैसा, आप लोग चिंता मत कीजिए। ठीक है बेटा ध्यान रखना, और कोई बात हो तो बता दूंगा मैं, ठीक है? जी पापा, हमने बस इसीलिए फोन किया था कि आपको बता दे कि आज हम नहीं आ रहे, हम बाद में बात करते हैं। ये लीजिए। दिव्यानी, दिव्यानी क्या हुआ? चीचू का पाँव फ्रैक्चर हो गया। क्या कैसे अचानक? पता नहीं दीदी ने कुछ बताया नहीं। थक गए हम बुरी खबरें सुन सुन के, भगवान जी कुछ तो अच्छा कर दीजिए। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। कहाँ जा रहे हो तुम? ये कपड़े मुश्किल आ गई है, हम फिर आ जाएंगे। अरे पर तुम इतना कह के अंदर आई थी और ऐसे ही जा रही हो,
फिर कभी सही। अरे लेकिन कपड़े, अच्छा ये दुपट्टा रख लेते हैं, इसके बदले आप ये बर्तन रख लीजिए, हम फिर वापस आएंगे। आप तब तक अपने घर का हालात संभालें। ऐसे भी थोड़े दिन में हालात बिगड़ने वाले हैं। बर्तन वाली हील कब से पहनने लग गई? हे सुनो, इसे भागने की क्या जरूरत? अनु, तुम्हारे पैरों में ये पायल अच्छी लग रही है। तुम यहाँ क्या कर रही हो अनुष्का? कुछ नहीं, तुम्हें पता है ना, पापा और पिया अलका दीदी के घर पे गए हैं। चलो हम दोनों भी चलते हैं चीजू को मिलने। वो सब तो ठीक है, पर तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही? अलका दीदी से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि जीजू बिल्कुल ठीक है, उन्हें बस एक फ्रैक्चर हुआ है मोच की तरह, और पापा और पिया भी वहां से निकल चुके हैं, पहुंचते ही होंगे। अच्छा, ऐसा क्या खजाना छुपा रही हो तुम अलमारी में जो तुम हमें नहीं बताना चाह रही? और हाँ, इतनी सीक्रेटिव कब से हो गई हो तुम? हाँ, जब से हम यहाँ आए हैं ना, तब से हम तुम्हें नोटिस कर रहे हैं कि तुम ये पायल छुपा रहे हो। यही कर दी रहना तुम। पहले नहीं बता सकती थी ना कि रजत ने ये पायल तुम्हारे लिए दी थी, हमारे लिए नहीं। पर नहीं, तुम तो हमसे इतना ज्यादा प्यार करती हो, है ना? हम तो करते ही नहीं, बलिदान देने चली थी तुम हमारे लिए, जो हम नहीं कर सकते क्योंकि हम इतने गिरे हुए जो है, राइट? तो क्या तुम अभी भी हमसे प्यार करती? बिल्कुल नहीं। हाँ, पर अगर तुम हमें सब कुछ सच सच बता देती ना, तो हम फिर भी तुमसे प्यार करते रहे। अनुष्का, अब तुम ये हीरोइन बनने की एक्टिंग क्यों कर रही हो? हाँ, कि हम सबसे ज्यादा अच्छे हैं। ये तुम्हारी नौटंकी हमें इतनी अनोइंग लगती है ना कि हमें किसी को गोली मार देने का मन करता है, और सबसे ज्यादा तो तुम्हें। और अब क्या कर रही हो तुम इस पायल के साथ? जाकर मारो उस रजत के सर पर। कि तुम क्या कह रही हो दिव्यानी? वही कह रहे हैं जो तुम्हारी अंदर की हीरोइन तुम्हें कहने नहीं दे रही। जब हमारी एंगेजमेंट हो रही थी रजत से, तब तो तुम चुप थी, और हम समझ भी सकते कि तुम क्यों चुप थी। क्योंकि तुम हमसे प्यार करती हो, हमें खुश देखना चाहती हो। लेकिन अब क्यों चुप हो? करिश्मा भी तुम्हारी बहन लगती है, तुम्हारा और रजत का साथ रहना ठीक है, हमारा और रजत का साथ रहना गलत था, और रजत और करिश्मा का साथ रहना तो सुपर डुपर गलत है। जाओ और जाकर रोको इस शादी को, और कह दो रजत से कि तुम उससे प्यार करती हो। नहीं, हम फिर भी कुछ नहीं कह सकते। हाँ हाँ, तुम ऐसा क्यों करोगी? जब हम रजत से प्यार करते थे तो उन्हें आई लव यू बोलने के लिए हम भागते रहते थे, और आज जब तुम उससे प्यार करती हो तो तुम्हारे तरफ से आई लव यू बोलने के लिए भी हमें ही भागना पड़ेगा। तुम एक काम करो, किचन में जाके ना कचोरी खाओ, हम रजत से तुम्हारे रिश्ते की बात करके आते हैं। दिव्यानी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। आज तुम हमें नहीं रोकोगी, आज हम वही करेंगे जो हम करना चाहते हैं। रजत और तुम्हारे रिश्ते की बात आज हम फाइनल करके ही रहेंगे। अगर तुम अपने लिए कुछ नहीं कर सकती तो क्या होगा, हम तो कर सकते हैं।
दिव्यानी, दिव्यानी मेरी बात सुनो, दिव्यानी। पर भाभी आप जूस लेकर क्यों आई? अलका जी का है? वो शायद बाहर टीवी देख रही है, उसके फेवरेट सीरियल का टाइम हो गया है ना। पर अच्छा ही तो है, आप पास बुला के अपनी दूसरी टांग भी तोड़वाना चाहते हैं क्या? चलिए पी लीजिए। अलका जी आप अंदर आ जाइए, वरना दूसरा पैर मैं खुद तोड़ लूंगा। अलका जी, मुझे मेरी बीवी की भी जरूरत है और आपके हाथ में रखी हुई उन दवाइयों की भी। प्लीज क्या आप सारी बातें भूल के दोनों चीज मेरे पास लाएंगे? आप ठीक हो ना? भाभी। हाँ करिश्मा, मैं। अरे करिश्मा, ये टैटू कहां से बनवाया तुमने? दिखाओ। ओ भैया, देखिए ना अलका जी, वो बर्तन बेचने वाली औरतें जो टैटू बनाती ना, वैसा टैटू है ये। उनका तो ट्रेडमार्क होता है, मैं तो मिलता हूँ ना कईयों को रोज दुकान पे। पर करिश्मा, तुमने ये टैटू कैसे बनवाया? भैया वो उस दिन मैं एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे गई थी ना, वहीं बनवाया था। पर नॉर्मल टैटू आर्टिस्ट के पास वो डिजाइन नहीं मिलता। दिखाओ इधर। अरे शिट, मुझे एक बहुत जरूरी फोन करने, मैं अभी आती हूँ। हाँ? अरे करिश्मा दिखाओ तो सही। अलका, इन्हें ना टैटू दिखाने दो, तुम्हारा काम हो गया तो तुम प्लीज बाहर चली जाओ। अब तुम देव जी के पास बैठे रहोगी तो और कोई अनहोनी नहीं हो जाए। मैं आई। लो जी, पता नहीं अब कौन सा अपशगुन होने वाला है। हेलो, हाँ जी, ऑफ कोर्स, एक मिनट। अलका जी नोटपैड और पेन दीजिए। हाँ मैं देती हूँ। हाँ बोलिए। अब 5,000 लार्ज सेट, 3,000 मीडियम सेट्स, 4,000 रेगुलर सेट्स। ठीक है, ओके। भाभी आप सही कह रही थी, हमें बहुत बड़ा नुकसान हो। देखा, मैंने बोला था ना। हमारी दुकान को इस महीने सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है किसी होटल का। और आप जानती है भाभी, ये ऑर्डर मिलने के लिए कितनी सारी कंपनीज लड़ रही थी। पर ये कैसे हो गया भाभी? क्योंकि अलका जी तो मेरे पास थी, छीकी भी थी,
और अलका जी तो मेरे लिए अनलकी है ना भाभी। ये इस वजह से हो क्योंकि अलका जी मेरे पास है। और वो मेरे लिए हमेशा लकी। मुझे तो पता था आप ऐसे ही कुछ कहोगे। तुड़वा लो आप अपनी दूसरी भी टांग। पंडित जी की बात नहीं मानी ना, मत मानो, अपना ही लॉजिक लगाओ। और अब आपको कुछ हो गया ना तो मुझसे कोई कुछ मत कहना। हाँ सबके सामने क्या कर रहे हैं आप लोग? चलिए अंदर चल के आराम से बात करते हैं। आराम से? ये लड़की मुझे सरेआम धमकी दे रही है और तू कह रहा है मैं आराम से बात करूं? देखो अनु, हमें कोई बात नहीं करनी है। और अच्छा यही होगा कि आप इसके बारे में कोई जिक्र ही ना करें, क्योंकि हम इस बार कोई सॉरी नहीं बोले। हमें पता है हमने इस बार ना ही कुछ गलत कहा है ना ही कुछ गलत किया है। अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो? किसके बारे में? अनुष्का के बारे में? नहीं। तुम दोनों ने अकेले में कसम खा रखी है क्या कि प्यार करेंगे पर कहेंगे नहीं? क्या अनु मुझसे? क्यों, तुम्हें कोई शक है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती? नहीं, वो करिश्मा। क्या नहीं, ये वो करिश्मा लगा रखा है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुमने जो कुछ भी कहा वो कन्विंसिंग था? कि तुम अनुष्का से मूव ऑन हो चुके हो, तुम्हें अपने बचपन का प्यार मिल गया, तुम खुश हो? रजत, हमने अपनी जिंदगी में इतने नाटक किए हैं कि हम किसी का भी नाटक आसानी से पकड़ सकते हैं, कोई चाहे माने या ना माने, पर हम तो यही मानेंगे। अच्छा, तुम दोनों हमारी वजह से एक साथ नहीं हो, राइट? लो, हम पीछे भी हट गए, हम तुम्हें ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं कि तुम दोनों आपस में खुश रहो, सदा सुहागन, व्हाटएवर, पर प्लीज तुम दोनों एक साथ हो जाओ, क्योंकि तुम दोनों ही एक दूसरे के बिना मरे जा रहे हो। लेकिन जब तक अनु चुप रहेगी, अकेली रहेगी, तुम्हारे या मेरे बोलने से क्या होगा? अगर उसे मेरा साथ चाहिए तो उसे भी अपना मुंह खोलना होगा ना। रजत, तुम्हें पता है ना चुपचाप रहने की आदत है उसकी। नहीं, चुप रहने की आदत नहीं है उसकी। जब उसे लड़ना होता है तो खूब बोलती है। देखा नहीं तुमने कैसे रिएक्ट कर रही थी नीचे? बस जब मुझसे कहना होता है कि वो मुझसे प्यार करती है तो देखो रजत, अभी तक अनुष्का जिद पर अड़ी हुई थी और अब तुम जिद पर अड़े हुए, पर दोनों बार ना नुकसान सिर्फ तुम दोनों का ही हो रहा है। फॉर गॉड सेक, करिश्मा से अपना रिश्ता तोड़ दो। नहीं तोड़ूंगा करिश्मा से मैं अपना रिश्ता, तभी तोड़ूंगा जब अनु मुझसे कहेगी कि वो मुझसे प्यार करती है। मैं सिर्फ और सिर्फ अनु से प्यार करता हूं, और ये बात मैं उससे भी कह चुका हूं, अकेले में भी, सबके सामने भी, और आज मैं तुमसे भी कहता हूं। लेकिन अब उसकी तरफ मैं कदम नहीं बढ़ाऊंगा जब तक वो नहीं कहेगी कि वो मुझसे प्यार करती है। बोलो, करवा सकती हो ये? नहीं ना, क्योंकि तुम खुद जानती हो कि तुम्हारी वो बहन कितनी जिद्दी है। अनुष्का से बहुत प्यार करता हूं मैं, कई बार उसके हाथों से अपना दिल तुड़वा चुका हूं, बहुत दर्द होता है देखे। बस एक बार अगर अनु मुझसे कह देना कि वो मुझसे प्यार करती है तो सारी दुनिया से लड़ जाऊंगा मैं, सारी दुनिया की खुशियां उसके कदमों में लाके रख दूंगा। एक बार वो मुझसे कह दे, एक बार। रजत, पर तुम ये नहीं जानते ना कि हमारी बहन की बहन कितनी जिद्दी है।
करिश्मा से रिश्ता तुम तभी तोड़ोगे जब अनुष्का तुम्हें खुद आई लव यू कहेगी, राइट? वो कहेगी और उसकी जिम्मेदारी हमारी है। Updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.